अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप जानते हैं कि मैंने घर शिफ्ट की हूँ और मैं जो है नए घर में जो है अपने नमाज़ पढ़ रही थी पहली बार। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, जुम्मा का टाइम था, जुम्मा का दिन था और करीब 2 बजे का टाइम था, फिर मैं नमाज़ पढ़ रही थी और पैरों में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द था, इसलिए जो है मैंने थोड़ी देर नमाज जो है ना बैठ कर भी पढ़ ली थी। और उतनी देर में ना मैंने खाना जल्दी इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि सुबह में ना नाश्ते वगैरह कर लिए थे बच्चों ने भी और मैंने भी, और तो इसलिए सोचे हम लोग भी खाना नमाज के बाद ही खाते हैं। तो फिर पुलाव जो है ना गरम गरम में अच्छा लगता है, हम लोगों की आदत है कि जैसे ही खाना बना तो हम लोग वैसे ही लेकर बैठ जाते हैं, सड़क के नहीं खाते, तो गर्म खाने के लिए हम लोग को अच्छा लगता है। तो फिर मैंने क्या करी थी, तब तक ना जो गोश्त लगा रखी थी तो उतना गोश्त मैंने एक साइड में आप देख सकते हैं कुकर में चढ़ा दी थी और गोश्त गलाने के लिए रख दी थी। नमाज बाकी रह गई थी ना, तो फिर मैंने इसमें वापस से थोड़ा सा रख दी थी कि मैं कुछ सीटियाँ और आ जाएंगी तो अच्छी तरह से गोश्त जो है ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो है ना डीमार्ट से शॉपिंग की थी, मेरी फर्स्ट पेमेंट हुई थी तो मैंने जो है यहाँ पे तेल निकाल ली और वहाँ से मैंने तेल के पाउच लेकर आई थी। तो तेल के पाउच मैंने बहुत ज़्यादा नहीं ली थी, मैंने जो है मेरा बजट थोड़ा सा कम था तो मैंने जो है मेरे मतलब चीज़ें जो है मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से ली थी यहाँ पे तेल वगैरह। और हमेशा जैसे मैं ज़्यादा लेती थी, जैसे 5 पैकेट इतना ज़्यादा मुझे अभी नहीं लगेगा, 3 पैकेट काफ़ी है मेरे लिए, तो फिर मैंने 3 पैकेट ले ली थी। और अदरक लहसुन जो है लहसुन भी मैंने ले ली थी, लेकिन जो है ना मैंने कल लहसुन छील कर नहीं रखी थी तो टाइम नहीं था इस टाइम मेरे पास में, तो इसलिए जो मैंने ना तो जो छोटे छोटे 5 रुपये वाले पाउच आते तो वो वाले 2 पाउच मंगा ली थी। तो वो भी अलग अलग देख सकते हैं आप, अलग ही मुझे ये पाउच जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। मुझे ना फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट ही घर में बना हुआ अच्छा लगता है, लेकिन इस बार जो है मैंने थोड़ी जल्दी में थी क्योंकि घर में जो है ना सारी चीज़ों को सेट करते करते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था मेरा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले इसके एक भगोना रख दी और उसके अंदर डाल दी थी थोड़ा सा तेल, और तेल जो है मैंने थोड़ा सा कम यूज़ की हुई इसके अंदर क्योंकि गोश्त के अंदर जो है ना चर्बी थी तो इसकी वजह से, फिर मैंने थोड़ा सा कम तेल ऐड की थी। हालांकि गोश्त पुलाव में जो है ना तेल अच्छा रहना चाहिए, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था, बहुत ज़्यादा भी मैंने कुछ कम नहीं डाली थी, थोड़ा सा नॉर्मल जितना मतलब मैं हमेशा डालती हूँ उस हिसाब से थोड़ा सा कम डाली थी। अगर आप बनाओगे तो आप अपने हिसाब से बना लेना। और यहाँ पे मैं दो टाइम के लिए बना रही थी और मुझे फिलहाल भी जा रही थी जॉब के लिए, तो फिर मुझे वहाँ पर भी मुझे अपने फ्रेंड्स के लिए भी लेकर जाना था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बना ली थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो है ऑयल डाल दिया और ऑयल गर्म होने के बाद में ना जो मैं आलू को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। और फिर आलू गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैं ये जो सारे मसाले वो डाल दूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें मैंने ज़रूरत के हिसाब से अभी लेकर आई हूँ, कुछ चीज़ें मैंने डिमांड से ली थी और कुछ चीज़ें जो है मैंने हमारे इधर का नासिक का बाज़ार है वहाँ पर वहाँ से मैंने ली थी, तो वो वीडियो मैं आपके साथ में नेक्स्ट वाली शेयर करने वाली हूँ। और हालांकि ये वाली वीडियो में जुम्मा की वीडियो है ये वाली, तो मैं ये आप लोगों को एक दिन बाद शेयर कर रही हूँ और फिर वो वाली जो है वो मेरे पास में अवेलेबल है तो वो वीडियो जो है इसके बाद आएगी। तो गाइस जो भी थी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में अपनी डेली रूटीन वगैरह जो भी है नॉर्मल सा जितना मुझसे हो पाएगा मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी क्योंकि अभी जो है मुझे बहुत ज़्यादा टाइम वगैरह भी नहीं मिल रहा, लेकिन साथ में मुझे वीडियो को भी एडजस्ट करना है क्योंकि मेरे मुझे जो है ना टाइम नहीं मिल रहा है वीडियो वॉइस ओवर करूँ या फिर मैं वीडियो को एडिट करूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम निकाल के जो मेरा आराम का टाइम था उसमें से थोड़ा सा टाइम बचा के और फिर मैं जो है रात में वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी पता नहीं मैं आपको ये वीडियो कब देने वाली हूँ, जब आप लोगों ने नहीं तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू जो है अच्छी तरह से मतलब गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आप मैंने ना कुछ प्याज छोटी इसकी मीडियम साइज़ की जो 2 से 3 प्याज थी छोटी छोटी सी तो उसको मैंने कट कर ली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं प्याज को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लूँगी अच्छी तरह से इसको फ्राई करने के बाद में। और मैं जो है वाइट पुलाव बना रही थी तो फिर मैंने जो है ना गोश्त गलाने के
गोल्स कलाने के टाइम पे मैंने इसके अंदर हल्दी वगैरह नहीं डाली थी बिल्कुल भी, सिर्फ जो है नमक वगैरह डाल के और फिर मैंने गोश्त को पानी और नमक के साथ में गला लिया था। हालांकि मैं इसमें अदरक लहसुन भी डालती हूँ, लेकिन फिर अभी मुझे अदरक लहसुन मेरे पास में ज़्यादा नहीं था और दो पैकेट ही मैंने मंगाए थे, तो फिर मैंने सोची कि मैं बघार करते टाइम पर डाल दूँगी जब मैं इसको बघारूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज ब्राउन हो रही है और मैं चम्मच चलाती जा रही हूँ इसके अंदर, और जो है चीज़ें मेरी सारी फैली हुई इधर उधर उधर पड़ी है सारी चीज़, मैं जो है घर भी समेटी जा रही हूँ, साथ ही साथ में खाना भी बना रही थी। और थोड़ी देर पहले जो है सुबह से मैं सबसे पहले तो मैं सुबह में उठी और उठकर फिर जो है ना मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह दी, मैंने नाश्ता बनाया, नाश्ता किया हम लोग ने, फिर जो घर के डेली रूटीन थे मेरे काम थे झाड़ू फर्श बर्तन वगैरह, फिर पानी आ गया, पानी वगैरह भरने के बाद में मैंने कपड़े वगैरह धो लिए, और फिर उसके बाद में कपड़े वगैरह होने के बाद जो है ना फिर मैंने नहाने के बाद में नमाज़ पढ़ ली, और नमाज़ के बाद जो है मैं खाना बना रही थी। और कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बाद में बताने वाली हूँ, आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और मुझे प्यारा सा कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो हालांकि मेरी वीडियो में आप लोगों को हो सकता है कुछ खास ना लगे, लेकिन जो भी है मुझे जो भी मुझे मतलब सही लगता है मैं अपनी लाइफ का मैं इसमें शेयर करूँगी और आप लोगों के साथ, और देखते अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो इंशाल्लाह मैं आगे जाऊँगी। हालांकि मेरी सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और उसकी भी मैं जो है वो जल्दी से मतलब नहीं क्या सेलिब्रेट करने वाली 1K सब्सक्राइबर का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और वो भी आप लोग ज़रूर देखना, और मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच आप लोगों का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है मैंने प्याज वगैरह फ्राई होने के बाद में इसमें अदरक लहसुन डाल दिए, सारे गरम मसाले डाल दिए, गरम मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेना, मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़े थोड़े से गरम मसाले इसमें ऐड कर लिए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च को दरदरा सा पीस लिया था, इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं की थी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसके अंदर मिला दी थी, और बाकी जो है मैंने थोड़ी सी ऊपर से कट करके इसके अंदर डाली थी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आलू भी ऐड कर दिया और थोड़ा सा चम्मच चलाया मैंने, और जो बचे हुए मसाले थे उसको मैंने साइड में रख दिया, और ये वाला डब्बा आप देख रहे हैं पहले मेरे पास था लेकिन अब नहीं है तो ये मैंने नया लेकर आई हूँ, और इसमें हम ये और लेना पड़ेगा बाद में गरम मसालों के लिए। ये इसमें अभी मैंने जो है सारे ड्राई मसाले भरकर रखी हूँ, और मतलब इस बार जो है ना बर्तनों की बहुत ज़्यादा मुझे कमी खल रही है, क्योंकि बर्तन मेरे पास में है नहीं, 1 लीटर दूध गर्म करने के लिए भी जो है पतीला नहीं है, और बर्तन मेरे कहाँ चल गए क्या हो गया ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, और जो है मुझे कुछ चीज़ें भी लानी पड़ेंगी, और मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर्स है वो लोग जानना चाहेंगे तो मैं उनको थोड़ी बहुत अपनी जो है लाइफ के बारे में ज़रूर बताऊंगी। मैं हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं खुद पसंद मतलब मैं नहीं चाहती, मुझे पसंद नहीं बहुत ज़्यादा मैं उसके बारे में बात करूँ, क्योंकि जो है अब मेरा है और मुझे ही करना है तो इसलिए, लेकिन जो है ना कुछ चीज़ों की कमी महसूस हो रही थी इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि बर्तनों की जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ़िलहाल, बर्तनों को मुझे बार बार वॉश करके यूज़ करना पड़ रहा है, कढ़ाई भी मेरे पास एक ही बड़ी कढ़ाई है उसको ही मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ, हालाँकि उसकी वजह से गैस भी ज़्यादा जाती है, क्योंकि इतनी कम क्वान्टिटी के खाने के लिए जो है ना मुझे इतनी बड़ी कढ़ाई का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, और बहुत ही जल्द जो है मैं कढ़ाई वगैरह भी ले लूँगी इंशाल्लाह, मेरी नेक्स्ट पेमेंट के टाइम पे मैं कुछ चीज़ें और ले लूँगी, माशाल्लाह से मेरी फर्स्ट पेमेंट हो चुकी है, तो मैंने जो है कुछ शॉपिंग की हूँ जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जो है ना साथ साथ खाना वाना बनाने के बाद में इस तरह से मैं जो है कपड़ा वगैरह इसके ऊपर फिरा कर इसको थोड़ा सा ना नीट एंड क्लीन कर दूँगी अपने किचन काउंटर को। बर्तनों की जो है रैग मैंने वहाँ पे जो लगी थी वही वाली जो छोटी सी रैग है कंटेनर वाली, कंटेनर उसमें मैं रखती हूँ कुछ मसालों के या फिर और चाय पत्ती शक्कर के और नमक
और फिर दूसरी जो रह गई मेरी मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने मेरे किचन डेकोर की वीडियो में मुझे कमेंट किया है कि आपने अपनी बतख की रैक कहाँ से ली। तो डियर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैंने आप लोग आपको जो है मैसेज भी कर कर उसका कमेंट का रिप्लाई भी किया है। मैंने बताया आपको क्योंकि मैंने इसको ना कहीं से भी ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेज नहीं की थी। ये जो रैक थी मेरी छोटी वाली जो मैंने बर्तनों को इसमें लगाया है, तो वो वाली रैक मुझे ना मेरी अम्मी ने लिए थे, उन्होंने कहाँ से खरीदी थी वो भी मैंने आपको बताया था उस मैसेज के जरिए। लेकिन मैं वीडियो के जरिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ क्योंकि वो जो रैक है वो मुझे मेरी अम्मी ने लिए थे और नासिक के बाजार से लिए थे। तो गाइज ये तो बात हो गई। यार आप लोगों को भी कोई छोटे मोटे सवाल या कुछ बात है अगर आपके मन में भी, तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने जो है ना इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्चें ऊपर से कट करके डाल दी, नमक मैंने थोड़ा डाल दी थी और पानी जो है मैंने थोड़ा सा गर्म करके ऐड की हुई इसके अंदर, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे क्योंकि ऑलरेडी पहले ही मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। फिर तो मैंने पानी वगैरह गर्म करके फिर इसके अंदर डाल दिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी में बॉईल आ चुका है और मैं अभी यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दो से तीन पानी से चावलों को अच्छे से धो ली थी। हालांकि चावल नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं कढ़ी इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे ये कढ़ी है यानी चावल का टुकड़ा हम लोग इसमें बोलते हैं। तो माशाल्लाह ये ना हम लोग हमेशा यही खाते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है चावल को ना, मुझे इतना कुछ पसंद नहीं आता। मतलब चावल जो है ज़्यादातर पुलाव तायरी वगैरह बनाती हूँ तो उसमें डालती हूँ, लेकिन इस बार जो है चावल नहीं आए थे तो फिर मैंने कढ़ी का इस्तेमाल करके कढ़ी के कढ़ी से ही पुलाव बना लिया। लेकिन माशाल्लाह ज़बरदस्त बना था, टेस्ट भी बहुत अच्छा था और बहुत ही प्यारा लगा था खाने में। मतलब खाना बच्चों को भी अच्छा लगा था और मुझे भी अच्छा लगा था। तो यहाँ पे जो है अरकान आके देख रहा था और मुझे पूछ रहा था कि मम्मी खाना बनाया या नहीं उसको, क्योंकि भूख लगी थी। और गाइज यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहले ना फिर इसको वापस से एक बार इसमें चम्मच चला दी, इसका पानी थोड़ा सा सूख चुका था। तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल पुलाव बनकर रेडी है। तो आ जाइए आप लोग भी हम लोग के साथ खाने के लिए। तो अभी हम लोग बैठेंगे खाने और कैसा लगा आपको मुझे वीडियो ज़रूर बताना। और आप देख सकते हैं इस तरह का जो है कढ़ी का पुलाव बना था, तो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना करके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश ज़रूर करना क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बिनाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं जा सकती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनल लुक। और ये जो है मेरे जहाँ पे नया घर भी ये वहाँ का बाहर का छोटा सा मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया हूँ बाहर का जो ये व्यू है। यहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह है और यहीं पे हॉस्पिटल्स में कई हॉस्पिटल में मैं जॉब कर रही हूँ। माशाल्लाह से मुझे जॉब अच्छी जगह पर मिल गई, तो कहीं मुझे ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जोया कुछ दिनों से स्कूल नहीं जा रही, हालांकि मैंने एडमिशन कर दी हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग आ गए थे यहाँ पे सोनोग्राफी की रिपोर्ट के लिए, रिपोर्ट सोनोग्राफी कर ली और फिर यहाँ पे हम वापस से हमारे फैमिली डॉक्टर के पास आ गए थे। और फिर उन्होंने बताया कि जोया को क्या प्रॉब्लम है, तो हालांकि कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अभी उसके लिए दुआ करना कि ज़्यादा कोई परेशानी ना हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग आ गए थे हॉस्पिटल और यहाँ पे डॉक्टर से बात हो रही थी, सोनोग्राफी की रिपोर्ट शेयर कर रही थी। डॉक्टर हम लोगों के साथ में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, इसलिए उसको मैदे का खाने के लिए मना किया और खाने के लिए मना किया। तो फिलहाल तो गाइस फिर मिलूंगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।